सो हे एंड वेलकम बैक गाइज, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में .xcpk फाइल को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप किसी वेबसाइट वगैरह से कोई बड़ी गेम वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, जैसे 2-3 GB की पबजी, एपेक्स लेजेंड या फिर COD मोबाइल जैसे गेम्स को डाउनलोड करते हो ब्राउजर से, तो वहाँ पर दोस्तों आपको जो फाइल डाउनलोड होता है वो होता है .xcpk के फॉर्म में। जैसा कि आप मेरे फ़ोन में भी देख सकते हो कि मेरे पास एक एपेक्स लेजेंड गेम का एक फाइल है जो कि यहाँ पर .xcpk का है। तो इस तरह का जब भी आप फाइल को डाउनलोड करते हो वेब ब्राउजर से, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह का आता है। और यहाँ पर आप क्लिक भी करोगे तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल करने का गेम कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं आता है। तो आज के सुनो तो सबको यही बताने वाला हूँ कि आप इस तरह के फाइल्स को अपने फ़ोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे उस गेम को प्ले कर सकते हो। तो अगर आपके पास किसी भी गेम का फाइल हो, चाहे वो फ्री फायर हो, पबजी हो, COD हो या फिर और भी कोई अदर गेम हो, किसी भी फाइल हो उसके लास्ट में .xcpk लिखा हो, तो आप इस मेथड से उस फाइल को यहाँ पर ओपन कर सकते हो, उस गेम को प्ले कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो .xcpk के फाइल होते हैं वो हमारे फ़ोन में सिंपल तरीकों से यहाँ पर इंस्टॉल नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई .apk का फाइल है तो वो आपको सिर्फ वन टैप से यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आ जाता है और उसको आप आसानी से यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन .xcpk के लिए थोड़ा सा मेथड यहाँ पर चेंज करना पड़ता है, सिंपली तरीकों से नहीं हो पाता है। तो सिंपली से दोस्तों आपको क्या करना है कि इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, इस फाइल को जिसको भी आपको यहाँ पर ओपन करना है .xcpk फाइल का। इसको करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है मोर वाला ऑप्शन में और इसको आपको रीनेम करना है। अब दोस्तों रीनेम क्या करना मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको आना है लास्ट में जहाँ पर आपको .xcpk लिखा हुआ है, तो इसको आपको हटा देना है .xcpk को और यहाँ पर आपको लगा देना है जिप फाइल .zip। अब दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर .xcpk को हटा कर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि apk फाइल हमारे फ़ोन में जस्ट वन टाइप से इंस्टॉल हो जाता है, तो कुछ लोग यही करते हैं कि वो सिर्फ x को हटा देते हैं और .apk रहने देते हैं। तो वैसे में भी दोस्तों आप कीजिएगा तो आपका जो फाइल यहाँ पर इंस्टॉल नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये .xcpk फाइल है तो इसके लिए मेथड थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर आपको इसको जिप करना है फाइल को और इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको एक नीचे नोटिफिकेशन होगा कि इफ़ यू चेंज दिस फाइल एक्सटेंशन यू मे नॉट बी एबल टू ओपन इट, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है और जस्ट आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारा जो फाइल है ये .zip फाइल में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि .xcpk से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया .zip फाइल में। अब दोस्तों सिंपल तरीके से यहाँ पर आप इंस्टॉल कर देंगे, इस पर आपको सिंपली वन टाइप करना है और इसके बाद आपको 3 से 4 ऑप्शन आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट हेयर या फिर एक्सट्रैक्ट फाइल टू भी किसी फाइल में आप करना चाहते हो तो वहाँ कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर पर करूँगा और इसके बाद से दोस्तों इस जिप फाइल के अंदर जो भी यहाँ पर कंप्रेस्ड डेटा होगा वो सारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा, यानी कि हमारे apk फॉर्म में और OBB डेटा यहाँ पर सामने आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम वेट कर रहे थे, इसके फाइल को एक्सट्रैक्ट होने में 1 से 2 मिनट लग सकते हैं। A few moments later. तो अभी दोस्तों हमारा जो जिप फाइल है वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है और एक नया फोल्डर बन चुका है इसी नाम से। अब दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा हमारा जो apk फाइल है वो यहाँ पर आ चुका है। देखिए .apk है ये दोस्तों, आपको सिंपली वन टैप से यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे कि हर ऐप यहाँ पर इंस्टॉल होता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एंड्रॉयड वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा इसका OBB फाइल। तो इसको OBB फाइल को कैसे यहाँ पर ले जाना है आपको उसके सही प्लेस पर, तभी दोस्तों ये वर्क करता है, तो वो भी आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस गेम को इंस्टॉल करेंगे, फिर इसको OBB फाइल को उसके सही जगह तक पहुँचाएंगे और फिर हम इसको गेम को ओपन करके भी आपको दिखाएंगे। तो इससे पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने मोबाइल में जो एपेक्स लेजेंड का गेम है इसको पहले अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो अभी दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हो मेरे पास एपेक्स लेजेंड का पहले से ही ये गेम मौजूद था, तो अभी हम इसको करते हैं अनइंस्टॉल .अनइंस्टॉल और यहाँ पर हम इसको अनइंस्टॉल कर दिए हैं। अब दोस्तों आते हैं हम वापस से अपने फाइल में। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इसके apk फाइल पर और इसको फिर से हम इंस्टॉल करेंगे। तो अभी दोस्तों हमारा जो एक apk फाइल है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, हम अपने बैक आते हैं और जैसे कि आप देख सकते हो हमारा apex legend के यहाँ पर ऐप आ चुका है, लेकिन दोस्तों ये अभी ओपन नहीं होगा। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये गेम स्टार्ट नहीं होगा कि इसका OBB फाइल मिसिंग है, इसीलिए देखिए यहाँ पर आएगा नो गूगल प्ले स्टोर की एग्जिट और इसके बाद हम वाइल यूजिंग अलाउ। अब दोस्तों देखिए आज अपने आप यहाँ पर एग्जिट हो गया, इसका दोस्तों अभी OBB फाइल मिसिंग है इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो हम इसको OBB फाइल को यहाँ पर सही जगह पर पहुँचाते हैं, तो इसमें दोस्तों हमारा मिलेगा OBB फाइल। अब दोस्तों हमें इस पूरे फाइल को यहाँ पर एंड्रॉयड के OBB वाले सेक्शन में जाकर इसको पेस्ट करना होगा। तो अभी दोस्तों अगर आपके फ़ोन में एंड्रॉयड 10 से ऊपर का एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है तो आप दोस्तों सिंपल के ब्राउजर से इसको नहीं कर सकते हो, यानी कि अगर आप इस वाले ब्राउजर से करना चाहो तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको एंड्रॉयड में OBB का फोल्डर ऐसे शिफ्ट हो गया और यहाँ पर दोस्तों ऐसा कुछ यहाँ पर कॉपी पेस्ट वाला काम जो नहीं हो पाता है। तो इस काम के लिए दोस्तों हम कुछ दूसरे ब्राउजर को यूज करेंगे जिसका नाम है दोस्तों एक्सप्लोर ब्राउजर। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से।
तो इस ब्राउजर को दोस्तों आपको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है और वापस से जाना है उसी लोकेशन पर जहाँ पर हमारा फाइल मौजूद था। तो हमारा अल्फा नाम के फोल्डर में वो दोनों फाइल मौजूद थे। तो ये रहा दोस्तों हमारा फोल्डर एपेक्स लेजेंड का, और इसको ओपन करते हैं और एंड्रॉयड वाले में चलते हैं OBB, और इसके अंदर ये रहा दोनों हमारा फाइल। अब दोस्तों इन दोनों फाइल को हमें एंड्रॉयड को OBB में लाकर पेस्ट करना है। तो इन दोनों को हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड। एंड इससे पहले दोस्तों हमें एक और काम करना होगा कि इस वाले को आएंगे और इसका हम रीनेम करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर रीनेम, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर नेम लिखा हुआ है इसको लॉन्ग प्रेस करके सेलेक्ट कर देना पूरे को और कॉपी कर लेना है। फिर आ जाना वापस, और यहाँ से दोस्तों हमको चलना है एंड्रॉयड वाले सेक्शन में। तो ये रहा हमारा एंड्रॉयड का सेक्शन, एंड्रॉयड OBB। अब यहाँ पर देखिए हमारा OBB में पहले से ही हमारा एपेक्स लेजेंड का फाइल बना हुआ है। अगर इनकेस आपके फ़ोन में ये पहले से नहीं बना हुआ है तो आपको सिंपली यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके इसमें एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है, न्यू फोल्डर, और उस वाले फोल्डर के ऊपर पेस्ट करके इसको एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेना। तो हमारा दोस्तों पहले से ही बना हुआ है तो इसलिए हम नया यहाँ पर नहीं क्रिएट करने वाले हैं। सिंपली से हम चलेंगे वापस से अल्फा एंड एंड्रॉयड OBB। अब एक एक करके दोस्तों हमें इन दोनों OBB फाइल को वहाँ पर ले जाकर पेस्ट करना है। तो पहले वाले को करते हैं, और अगेन फिर हमको करना है कहाँ गया हमारा ऑप्शन। तो हमने दोस्तों पहले से इसको क्लिपबोर्ड पर कॉपी करके रखा हुआ है, इसीलिए हम चलते हैं वापस एंड्रॉयड में और OBB और एपेक्स लेजेंड के जो फाइल है इसमें आएंगे और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। एक फाइल दोस्तों हमारा आ चुका है, वापस से चलेंगे अल्फा वाले में और एंड्रॉयड OBB एंड इसके अंदर दो फाइल है। अब दोस्तों हमारा जो पैच फाइल है इसको हम करेंगे कॉपी टू क्लिपबोर्ड, वापस जाएंगे एंड्रॉयड वाले ऑप्शन में OBB और एपेक्स लेजेंड, और फिर से यहाँ पर हम पेस्ट के नीचे पर बटन पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे। अभी दोस्तों हमारे OBB फाइल सही जगह पर पहुंच चुका है, यानी दोस्तों अब हम अपने गेम को ओपन करेंगे तो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, हम उसको प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ का दोस्तों हमारा सारा काम खत्म हो चुका है, आते हैं बैक और वापस से दोस्तों इस गेम को ओपन करके देखते हैं। तो अभी दोस्तों वेरीफाई कर रहा है सारा OBB फाइल्स को, तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट हो सकता है ले ले, या फिर उससे कम ही टाइम में आपका सारा कन्फर्म हो जाएगा। तो अभी दोस्तों इसे हमारे सारे यहाँ पर OBB फाइल को कंफर्म कर लिया है, और इस गेम को हम दोस्तों फिर से रीओपन करते हैं, क्योंकि पहली बार दोस्तों ये सारा कुछ वेरीफाई करता है डेटा वगैरह को कि सही से सारा कुछ हुआ है कि नहीं, उसके बाद दोस्तों ये गेम ओपन हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये गेम यहाँ पर ओपन हो चुका है, अब इस गेम को हम प्ले भी कर सकते हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसके डैशबोर्ड तक चलते हैं, उसके बाद हम बैक आएंगे। स्किप एंड अभी दोस्तों आप देख सकते हो कि सारा यहाँ पर ट्रिप ऑप्शन दे रहा, फिर हमारे साइन इन का ऑप्शन आएगा, और इसमें छोटा सा अपडेट भी है, तो हम अपडेट लेटर करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब तक अपडेट नहीं करेंगे ये गेम में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो मात्र छोटा सा यहाँ पर अपडेट है, तो फिलहाल हम इसको एग्जिट कर लेते हैं गेम। तो इस मेथड से दोस्तों आप आसानी से कोई भी .xcpk फाइल का एक्सटेंशन वाला गेम हो उसको आप अपने फ़ोन में सिंपल तरीक़ों से इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ करके दिखा दिया है कि आपको कैसे करना है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको कोई यहाँ पर डाउट है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है फाइल को इंस्टॉल करने में, तो आप नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि आपके फ़ोन में क्या दिक्कत आ रही है, मैं आपको वहीं पर आपको सोल्यूशन बता दूंगा। और आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।